फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गोविंद नीलहानी का एज अ डायरेक्टर उनका बॉलीवुड फिल्मी कैरियर एनालाइज करेंगे। साल 1980 में मूवी आक्रोश से गोविंद नीलहानी ने एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी और मोहन अगाशे शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा म्यूजिकल मूवी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1982 में इनकी अगली मूवी आई विजेता। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, रेखा, कुणाल कपूर, सुप्रिया पाठक, ओम पुरी, अमरीश पुरी, दीना पाठक और सुलभा देशपांडे शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1983 में इनकी अगली मूवी आई अर्धसत्य। इस मूवी के लीड कास्ट में ओम पुरी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर और शफी इनामदार शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी। यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1984 में इनकी अगली मूवी आई पार्टी। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोहर सिंह, विजया मेहता, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, दीपा शाही, शफी इनामदार, रोनी हटांगड़ी और अमरीश पुरी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1985 में इनकी अगली मूवी आई अघात। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपा शाही, ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, सदाशिव अमरापुरकर और पंकज कपूर शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1988 में इनकी अगली मूवी आई तमस। ये एक टेलीविजन मूवी थी। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपा शाही, ओम पुरी, अमरीश पुरी, पंकज कपूर और एके हंगल शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। साल 1990 में इनकी अगली मूवी आई दृष्टि। इस मूवी के लीड कास्ट में डिंपल कवाडिया, नीना गुप्ता, शेखर कपूर, इरफान खान और गीता वशिष्ठ शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1994 में इनकी अगली मूवी आई द्रोह काल। इस मूवी के लीड कास्ट में ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, अन्नू कपूर, मनोज बाजपेयी, गीता वशिष्ठ और श्री वल्लभ व्यास शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1996 में इनकी अगली मूवी आई संशोधन। इस मूवी के लीड कास्ट में मनोज बाजपेयी, वान्या जोशी, आशुतोष राणा, अनुपम श्याम और आदित्य श्रीवास्तव शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 1998 में इनकी अगली मूवी आई 1084 की माँ। इस मूवी के लीड कास्ट में जया बच्चन, नंदिता दास, सीमा विश्वास, अनुपम खेर और मिलिंद गुनाजी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1999 में इनकी अगली मूवी आई तक्षक। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, तब्बू, राहुल बोस, अमरीश पुरी, विनीत कुमार, गोविंद नामदेव और अनुपम श्याम शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2004 में इनकी अगली मूवी आई देव। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, रति अग्निहोत्री, ओम पुरी, अमरीश पुरी, एहसान खान, मिलिंद गुनाजी और फरदीन खान शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको गोविंद नीलहानी की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। गोविंद नीलहानी की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।